आज हम बना रहे हैं चिकन फिंगर और इसके लिए मैंने ये चिकन लिया है। इसको पहले इस तरह बारीक पीसेस है, बहुत ज़्यादा मोटे ना हो, इस तरह बारीक इनको इस तरह काट लें। इस तरह हम सारे चिकन को रेडी कर लेंगे। ये इस तरह सारे चिकन को हमने रेडी कर लिया, धो लिया अच्छे तरीके से। अब इसमें हम ड्राई मसाले, जिनमें 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून चिली, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और सॉल्ट। ये डालेंगे और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टेबलस्पून विनीगर। सॉरी 1 टेबलस्पून विनीगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस हमने इसके साथ यूज़ किया है, 1 टीस्पून हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। अगर आपके पास ड्राई है तो आप ड्राई यूज़ कर लें, मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैं नॉर्मल जिंजर और गार्लिक डालूंगी। और 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। ये हमने डाल लिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये चिकन बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसे हम तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे और फिर हम इसे अगले स्टेप पे चलेंगे। चिकन को हमने रेडी कर दिया है। अब हम इसके लिए कोटिंग तैयार करेंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून जो पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ओरिगानो हमने लिया है। सारे चीज़ें हम इसको डालते हैं ताकि ये प्लेन ना रहे, अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके रेडी कर लेंगे। ये रेडी हो गया। अब हम 2 अंडे लेंगे और इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स रेडी हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। इस तरह लेंगे पीस, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना। इस तरह पहले अच्छे तरीके से ये एग और जो दूध का हमने मिक्सर बनाया था इसमें, और फिर ये इस तरह अच्छे तरीके से सारे, और इस तरह सारे पीसेस पे लगा लें। उसके लिए हाथ भी और इस तरह सारे पीसेस पे हम लगा लेंगे। ये इस तरह हम फिर इन्हें एग लगाएंगे और ब्रेड क्रम्ब।
और इस तरह हम सारे पीसीस को रेडी कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मीडियम गैस पे करना है ताकि चिकन जो है वो अंदर से अच्छे तरीके से कुक हो जाए। मिक्स नहीं करना, पहले एक साइड से अच्छे तरीके से कुक हो जाए, फिर हम इसे चम्मच से हिलाएंगे। और ये देखें क्रिस्पी बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ और आपको इसका फाइनल दूँगी। और ये देखें ज़बरदस्त क्रिस्पी चिकन फिंगर जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको डिश आउट करती हूँ और फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये है फाइनल लुक, चिकन स्ट्रिप्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही स्पाइसी और खस्ता तैयार हुई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी अपने घर में ट्राई करें और फिर कमेंट करके मुझे बताएं ये कैसी तैयार हुई हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट दें ताकि मैं और अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।